अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है। कहा गया है टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाई, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखेंगे एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, दोनों जो है इनफाइनाइट प्लेन से है ना, ऐसे कर सकते हैं कि इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज है। तो जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई इनफाइनाइट लेयर होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ भी अगर किसी पॉइंट पर हमें सपोज फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे है ना, अगर परपेंडिकुलर डालेंगे इसकी वजह से तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर है ना, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस ई का वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बिल्कुल जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि इस प्लेन की वजह से निकालना है यहाँ पर फील्ड, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इधर ई है ना। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये हॉरिजेंटल लाइन है ना। तो देखेंगे अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए है ना, ये तो 90 है तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा नीचे है ना। इधर आएगा ई कॉस 60 डिग्री और नीचे आएगा ई साइन 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें हम लोग एक्सिस ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाई और इधर जो है वो है एक्स। ठीक, तो अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये आएगा है ना। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये कहा जा सकता है कि ई कॉस 60 निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देखेंगे, सारे ऑप्शन लिया गया है एक्स कैप, तो मैं एक्स कैप लिख देता हूँ इसको, जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं यहाँ पर एक्स कैप लिखा गया है। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे ये है ई और ये है ई साइन 60, क्योंकि ई साइन 60 ई से छोटा होगा तो रिजल्टेंट आएगा ऊपर है ना। तो ये तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस यहाँ आएगा, लेकिन ये आएगा ऊपर की तरह, इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस ई ये वाला ई माइनस ई साइन 60 माइनस ई साइन 60, ये जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है तो वाई कैप यूनिट वेक्टर लेंगे उधर है ना। तो इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, इनमें से ई कॉमन ले लेंगे है ना, ई कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन 60 डिग्री वाई कैप माइनस ये हो गया कॉस 60 डिग्री एक्स कैप, ये आएगा। ई का वैल्यू हमें पता है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि दोनों ही सरफेस की जो डेंसिटी है सिग्मा है, इसलिए दोनों ई बराबर आया था और दोनों का वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे है ना। तो अब देखते हैं ये क्या आता है, ये आएगा 1 माइनस साइन 60 को रख सकते हैं √3/2 वाई कैप माइनस कॉस 60 होता है 1/2 तो एक्स कैप बाई 2 यह आएगा। अब देखेंगे यही जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस एक्स कैप बाई 2, एग्जैक्टली यही अपना भी रिजल्ट आया हुआ है।